हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, अभी हम लोग हैं बिहार के राजगीर में और राजगीर के विश्व शांति स्तूप के कैंपस में हम लोग। दोस्तों, विश्व शांति स्तूप एक बौद्ध मंदिर है जो कि ऊपर पहाड़ पे स्थित है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व शांति स्तूप दिखाते हैं और ऊपर हम लोग चलेंगे रोप वे के माध्यम से। वो सीटिंग चेयर होता है और रोप से कनेक्टेड होता है, उससे हम लोग ऊपर चलेंगे। तो सारा सीन आपको हम दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबाते हुए। मैं इसी तरह के खतरनाक वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूँ। एक टिकट दीजिए। हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर शांति स्तूप की ओर। काफ़ी रोमांचित करने वाला ये सीन है। अब देख सकते हैं नीचे, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है सबको, लेकिन डरने की बात नहीं है, सब सेफ्टी है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऊपर और चलिए अब आपको विश्व शांति स्तूप मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों, ये विश्व शांति स्तूप है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है गोल्डन कलर में और ये पहाड़ पे स्थित है। लोग इसे देखने के लिए आते हैं दूर दूर से और ये आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ के ऊपर ये विश्व शांति स्तूप स्थापित है। अब इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। और आप नीचे देख सकते हैं कुछ लंगूर हैं और ये नीचे जाने का रास्ता है पैदल, इसे भी नीचे जाया जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, देयर इज़ नथिंग बट माउंटेन्स हियर। तो दोस्तों, ये विश्व शांति स्तूप मंदिर आ गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेन गेट है मंदिर का। हम लोग चलते हैं अभी थोड़ी देर में अंदर में, हालांकि ये रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी देखता हूँ, कुछ गुंजाइश लगाता हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा राजगीर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में कुछ कुछ आबादी हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगले रविवार रात के 10 बजे फिर किसी नए जगह पर से। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी ना आने पाते।